बिगाड़े किसने? ये नहीं बिगड़ के पता है, ये खराब है पता है, किसने खराब किया? तब का अपने कर्म को ठीक कर, अपने को सुधारना है और कुछ नहीं करना। हाँ बच्चा खराब है, पढ़ता नहीं है, टीवी नहीं देखता है, टीवी देखता रहता है, पढ़ता नहीं है, मारो नहीं, गुस्सा नहीं करो, आपके बच्चे नहीं, भगवान ने आपके पास भेजा है, खिलाओ पिलाओ कपड़े पहनाओ, भगवान का बच्चा है। उसको देखते ही सवेरे उठते ही मेरा बेटा नहीं करना, मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी बहू नहीं, मेरी सास नहीं, शिव बाबा ये आपके बच्चे, इनको सदबुद्धि, इनका कल्याण करो। इतना सहज है, कर सकते हो कि कठिन है? कठिन है तो लिखना पड़ेगा कठिन राज हो, सहज है कि कठिन है? कर सकते हो? कल करके बताएंगे। सवेरे उठते ऐसे नहीं कि बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो, मेरे बच्चों को नौकरी लगाओ, ये भक्ति में मांगने की इच्छा हो गई। मांगना, मांगने वाले कौन? भगवान के बच्चे मांगेंगे, देने वाले देवता, वो भारत देव भूमि थी, देने वाले थे, लेने वाले नहीं। समझ में आया? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राज चंदन, अगर मैं खोल के बताऊं सारी रात इधर बैठेंगे। 108 प्रकार की प्राप्तियां इसके अंदर, और नंबर वन पवित्रता है। शादी नहीं किया उसको पवित्र निर्भर चाहिए, बहुत है पवित्रता। किसी को देखते ही मन में गलत विचार आया, दृष्टि बोल कर्म निकलेंगे, संस्कार बनेगा, है ना। मन को जीत लो, कोई कैसा भी हो उसका कर्म है, मुझे क्या करना है। उनको देखते ही कहते शुभ सोचो, मैनेजमेंट में आता है थिंक पॉजिटिव। कैसे सोचो? अभी भाई जी को देखते याद नहीं आएगा, ये भाई देख लो, भाई जी को देखते माता जी कहूंगा, मैं भाई जी कहूंगा, कौन सा भाई, देखो 10 साल पहले कितना गुस्सा किया, याद नहीं आएगा? आएगा। तो क्या करना चाहिए? अगर इनको देखते मेरे मन में गलत विचार आया, इनको पता नहीं है मेरा मन मैला हो गया, मैला मन लेकर आप शांति से सो सकते हो? एसी कमरा है, डनलॉप गद्दी है, सब कुछ है, नींद कहां है? मन मैला। तो मन को जीतने की कला यहां, इसको राज योग कहते हैं।